तो भाई मैं तो बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका हूँ और रास्ता अभी आधा भी नहीं चढ़ पाए और बाकी सब लोग तो आगे जा चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली है और हमें चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रखा है। ये कुछ पथरीला सा रास्ता है ऊपर जाने के लिए और आई होप कि हम चढ़ पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताई जी हमारे से भी ज़्यादा जोश में हैं और वो हमारे से ऊपर चढ़ चुकी हैं। ये देखो जी सारे के सारे यहाँ पर बैठ गए हैं। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, भाई क्या हुआ? वो है ना हरियाणा में वही साइकिल के कुत्ते फैल हो जाते हैं, जो आदमी चढ़ रहे हैं ना उनके कुत्ते, लेकिन साई के हौसले बुले। तो भाई ये वाली कुछ जो है नीचे जो जमीन पर एक पूरा होद बनाया गया है जी, ठीक है। ये देखो जी ताई जी रास्ता को ठीक भी करते हुए चल रही हैं और हमारे से सीधा सीधा चला भी नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोमेश झा का और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को हम बार बार कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज दिखाते रहते हैं, तो उसी सिलसिले में आज एक बार फिर से हम चरखी दादरी के गांव कादमा में पहुंचे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं आज की ये जो स्टोरी है वो आपको दशरथ मांझी की याद दिलाएगी। दशरथ मांझी वो व्यक्ति जिन्होंने पहाड़ तोड़ करके बड़ा सा एक रोड निकाल दिया था केवल अपने प्यार को साबित करने के लिए, और वैसा ही कुछ प्यार यहाँ पर भी दिखने को मिल रहा है। हालाँकि वहाँ पर अपने परिवार के लिए उनके लिए उन्होंने वो सारा काम किया और वो अब पूरा के पूरे जो जनता के काम आ रहा है वो रोड। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो आज हम चरखी दादरी के गांव कादमा में बैठे हैं और कादमा में हमारे साथ दो बुज़ुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों बुज़ुर्ग जो हैं उनके द्वारा ऐसा ही एक काम किया गया है जिसमें उन्होंने पहाड़ को तोड़ करके जनता के लिए पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की है। यहाँ खास बात यही है कि एक तालाब नहीं, तीन तीन तालाबों को इनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा यहाँ पर कि भगवाना जी हमारे साथ हैं, गांव इनका कादमा है और नज़दीक में ही एक बाबा जी का धुना है, उनके बारे में भी बात करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि बाबा मंगलदास का वो जो धुना है वहाँ पर इनके द्वारा वो सारे काम किए गए हैं। और इधर आप मेरे साथ में देख रहे हैं इनकी वाइफ है हमारे साथ में और दोनों ने मिल करके काफ़ी बेहतरीन काम किया है जो कि काबिले तारीफ़ है और लोग आज इनकी मिसालें दे रहे हैं। तो हम इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी बाबा जी का धुना, हाँ। काम आप कर रहे हो, ऐसा कारण क्या हुआ था कि काम आपको करना पड़ा? वो शक्ति वाला बाबा जी तो जी, शक्ति वाला बाबा जी तो मेरे गनी की काम करियो को नहीं, 20 साल हो लिए छोड़नी, अब करने वाला हो गया। खेती बाड़ी छोड़ रखी है? अब मैं छोड़ रखी है। ठीक है, बच्चे कर रहे हैं? हाँ ठीक है। ये आप काम करने वाला हो गया, आप काम करने वाला हो गया, आपको काम आप करें। तो मेरे पहाड़ में एक बाबा जी आए थे, उसको बड़ा छोटे चंद्रपाल नाम से उसको रात में दूध दे के आम दो जी। उस पहाड़ को फिर ठीक है, दिन में गाड़ी चलाऊ दो। तो उस बाबा जी में नीचे गौशाला दूर आ गयो, उसने न्यू कही इसके झोंपड़ी बनवा दो मेरी। चंद्रपाल मन्ने बोले उसके बाबा बाबा जी की झोंपड़ी बांध दे। ठीक है, उस कालिया बाबा जी की झोंपड़ी का लग गई, पश्चिम बाबा जी ने लग गया। अच्छा, पहाड़ पर ये शब्दों कर जियो पूरे सलाड़ो जोड़ था बूटीनाथ को दोनों से, यो ही शक्ति वाला बाबा जी थे। ठीक है, पूरे 17-18 बड़ पीपल से जी, पानी की टंकी से, हनुमान को छोटो बड़ो मंदिर बना रखे टंकी द्वारा, मैं मूर्ति बैठा रखी है। ठीक है, और आगे चौतरा चौतरा पे जाली लग रही है, कोई दाना गिर नहीं हो, दाना गिर दे बकरी उकरी। तो ताऊ जी जो सारा काम है आपने अकेले ने किया? ये हम दोनों ने किया। आप दोनों ने किया? तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके परिवार में काफी भरा पूरा परिवार है, तो परिवार के सदस्य भी कहीं ना कहीं आपके साथ में कहीं आए क्या काम करने? तो कर बाबा जी के धुने पर हम मोटे नाच का धुना। ठीक है, उस थोड़ी
कोंडलेगे में काम करते। अच्छा ताऊजी एक चीज पूछना चाहूंगा, तीन तालाब आपने बनाए हैं, तीन तालाबों का साइज कितना रखा है आपने और किस किस काम के लिए उन तीनों तालाबों को इस्तेमाल कर रहे हो? एक बार पानी की दिक्कत थी जिस बनाए जी, पीने के पानी की दिक्कत। हाँ। जो वहाँ पे बाबा जी रह रहे थे उनको या फिर जैसे पशु पक्षियों के लिए? भी पियो उसमें। अच्छा फिर उसमें गाजरा ना होता देख लिया खुद तो गाजरा तो गंदे होते ना होता देख लिया मानस का पीने वाला पानी को नहीं है जो मानस खाता दूसरा बनाया। ठीक है उसके बाद दूसरा बनाया। हाँ ठीक है वो दूसरा बना के अरे नीचे फर्मा बटकियों की बेच के और ऊपर लेंटर की छत लगा के उसमें खिड़की लगा रखी है। ठीक है तो ताऊ जी ये जो सारा काम किया इसमें तो मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, काफी सारा पैसा भी लगता है, तो मिस्त्री बुलाया आपने, पैसा कहाँ से आया वो सारा? पैसा तो बाबा जी हैं मेहरबानी मेरी गोज मार दें पैसा लग लो। अच्छा बाबा जी के आशीर्वाद से। हाँ। कभी पैसे की कमी नहीं रही? ना। ठीक है तो और मिस्त्री वगैरह लगाने पड़े आपको? मिस्त्री कौन लगाया मैं खुद आप कर दिए काम। अच्छा खुद काम कर लेते हो तो बढ़िया तरीके से पीने का पानी भी आपने वहाँ पे बना दिया। हाँ। ठीक है लेंटर की छत लगा रही नाला छोड़ रखे थे और फिर तो जी एक चीज़ बताओ मेरे को, जब इतना सारा कुछ आप काम कर रहे थे, आपने बताया कि पहले से वहाँ पर ना पानी की व्यवस्था थी ना कुछ और थी, तो ऐसी स्थिति में जब ऊपर आपने चिनाई लगाई और कुछ किया तो या तोड़ा आपने पहाड़ को, तो वो कैसे तोड़ा आप लोगों ने? पहाड़ तो बाबा जी पहाड़ तो नहीं तोड़े उसके पहाड़ तोड़े मैंने तो पानी डटे क्या जी झील हो तो तोड़ना आसान रहा था। है? तोड़ना आसान रहा आसानी से टूट गया तोड़ना आसान रहे मैंने तो क्योंकि पत्थर तोड़ना तो बताते हैं बहुत मेहनत का काम होता है। मेहनत को काम से यार थोड़ी इतनी छोटी सी हथौड़ी से काम कर दिया जी। हाँ ये देख लीजिए जी ये छोटी सी हथौड़ी है और इस हथौड़ी ने पत्थर का जो सीना है वो चीर दिया है, पहाड़ का सीना चीर दिया है और अब वहां पर बाकायदा तालाब बन चुके हैं और तालाब बना करके उनमें पानी की सुविधा कर दी है ताऊ जी ने। तो ताऊ जी इतनी छोटी सी हथौड़ी से ही काम बन गया? ये देखो इसमें ढील पड़ो बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा ये बिल्कुल बैठ चुकी है और यहाँ से बिल्कुल आप देखेंगे गड्ढा हो चुका है यहाँ पर, तो इतना काम किया है ताऊ जी ने। तो ताऊ जी कितना टाइम लग गया उसको करने में? करने में तो दो दो ढाई ढाई साल लग गया। दो ढाई साल लग गए? हाँ। तो दो ढाई साल तक इस एक हथौड़ी से आप लगे रहे, आप और आपकी वाइफ जो है दोनों लगे रहे। हाँ। जी तो ताऊ जी नीचे से सामान भी ले जाना पड़ता होगा तो उसके लिए तो लोगों को लगाया होगा आपने? अगड़ गिर। अच्छा एक बार दिखाओगे हमें? ये देख लीजिए जी बाबा जी की वो आपने देखा होगा इस तरह का कपड़ा और ये वही कपड़ा शायद है और ये देखिए काफी बड़ा है जी, काफी बड़ा है और इसमें ताऊ जी केले की जाया करते इसमें समट गाल ले। हाँ। कट्टा में गाल आठ दो रख ले ठीक है गाल की गलना अच्छा तो ये तो बहुत भारी हो जाता होगा। देखो जी इतना बड़ा है ये और इसमें करेसर रोड़ी बजरी और सीमेंट तक भी ताऊ जी इसमें लेके गए हैं और अगर मैं इसको लगा कर देखूं तो ये देखिए यहाँ पर और कंधे के ऊपर कंधा तोड़ सकती है और ताऊ जी इस उम्र में आप ये लेकर के गए हो कमाल नहीं कर दिया आपने, बहुत भारी हो जाता होगा। पच्चीस किलो बोझ इसमें एक साथ लेकर के जा रहे थे और एक बार ताई जी से पूछ लेते हैं, ताई जी ताऊ जी लेके जाया करते ये? कदे टोके नहीं आपने भाई इतना बोझ लेके जाओ हो कित अड्डी नुन हो जाओगी? भी मंगा लेंगे राम से। अच्छा साथ में आप थोड़ा मदद कर देते थे? अच्छा पानी को दे जाऊंगी मैं। पानी किस चीज में लेके जाते ये भी ताऊ जी बड़ी बात है। दो दो लीटर वाली बोतल आठ आठ नौ नौ ले जाता पानी। अच्छा
वडांगना हत पोसो खातिर बनाई वाची नहीं इतने ठीक है वो पूरी हो गई ने जी दूसरे पानी गा दियो अच्छा फिर वहीं से इस्तेमाल करते रहे मासा पीवना बना दियो ठीक है तो तई आप के क्या करते उड़े ताऊ जी तो चलो इसमें ले गए सामान पत्थर तोड़ लिए आपने के कुछ ताऊ की मदद करी माटी बाहर कौन गिरनी पड़ी अच्छा जी तो नीचे से उठा करके उसको बाहर तक निकाल करके लेके आते थे आप और बाहर डालते थे अच्छा कोई और मदद करने कभी नहीं आया क्या ना और हमने किसान कौन की किसी ने बोला ही नहीं चलिए कोई बैठे ना देखने वो कोई का दी बाल्टी काट दियो काट दियो ठीक है किसी ने कोई नहीं की किसान कौन की तो बाबा जी के आशीर्वाद से सब होता गया देख लो जी बाबा जी का आशीर्वाद और बाबा जी के आशीर्वाद से ये जोड़ी है जी और इस जोड़ी में बहुत घना सामान गया है और वो सारा सामान ले जा करके पहाड़ पे पहुंचाया और वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बना दी हैं और ताऊ जी एक चीज़ और बताओ मैंने पेड़ पौधे भी लगाए बताओ वहाँ अपने पेड़ पौधे गणिए थोड़े लगे थोड़े भी लग जैसे बकरी लगाए हुए बकरियाँ ठीक है पहाड़ पर जन्म तीन आम की बकरी चढ़ी पूरे बूटे ना था पूरे तीस चालीस बड़ पीपल से ये बड़े जी शेड़ से दो एक आम बीच में जी बड़े रोड पर पावर हाउस से उस घर पानी की टंकी से ठीक है पानी की खेल से और बाबा जी के नाथ नाटक को रामू बाबा जी का दोना पे बहुत तो मतलब आपने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रखी है जितनी ऑक्सीजन आपने ले ली उससे ज्यादा पेड़ आपने लगा दिए समाज का पूरा भला करने का आपने ठेका ले लिया है तो गौशाला के भी बड़ पीपल से बांठवा पेड़ हो जाए जी तो आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पशु पक्षियों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम किया है साथ ही साथ आम लोगों के लिए जो वहाँ धुने पर जाते हैं अपना मत्था टेकने या जोत लगाने के लिए तो उनके लिए भी वहाँ पे पीने का पानी का प्रबंध किया है और जब ऊपर का पानी जब ख़त्म हो तो उसी के लिए नीचे भी एक अलग से पौंड बनाया है जहाँ से पानी ऊपर पहुँचाया जा सके तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ताऊ जी ने करी और साथ ही साथ इसके साथ पेड़ लगाए हैं काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं और लगातार अब भी ये लगे हुए हैं हालांकि आजकल ताऊ जी मैं देख रहा था थोड़ा पैर में प्रॉब्लम आ गई है पैर में क्या हो गया पैर में तो कोई दिक्कत जी पैर में क्या आ गया इसमें पैर में क्या दिक्कत आ गई पैर में दिक्कत आ गई दो दिन कुल्लो दुखियो अच्छा कुल्ला कदर की आज गोली ले ली कुल्ला तो चैन हो गए नीचे अच्छा तो ये जब ये काम कर रहे थे तभी हो गया ये हाँ जी अच्छा तो कितना लगभग चढ़ना पड़ता था आपको जो एक पहाड़ के ऊपर जो आपने बनाया है तो ये लगभग लगभग कितना चढ़ना पड़ता था आपको उसके ऊपर इसके ऊपर कम से कम 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है जी मतलब एक तरह की ट्रैकिंग हो जाती है लोगों को 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद शायद हो सकता है सांस ना आए ढंग से और ताऊ जी हर रोज जाकर के वहाँ पे काम करते थे कमाल की बात है क्या चीज है ताऊ जी ये अच्छा रुई है जी इसके अंदर जो ताऊ जी जैसे बता रहे हैं चूखा तो इसको देसी भाषा में बोलते हैं बाकी ये रुई है इसमें घी है ये घी है जी ताऊ जी क्या करते थे इसका जोत करते थे मतलब वहाँ जाते थे तो देखो ये देखो जी हमारी जो पुरानी परंपरा है जो पशु पक्षियों के लिए भी खाना अलग से निकालने की तो वो देखो यहाँ पर बिल्कुल चल रही है अलग अलग पॉलीथीन में ये लोग हर किसी चीज़ के लिए लेकर के जाते थे अपनी जो श्रद्धा जताने के लिए वहाँ पे जोत भी लगाते थे पशुओं के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारा काम है ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये एक छोटी सी हथौड़ी है और इस छोटी सी हथौड़ी से ही एक सारे काम कर दिए हैं आप साथ के साथ यहाँ पर देखते जाएंगे कि वहाँ जो पहाड़ में किस तरह का काम किया गया है क्या का कुछ वहाँ पर बनाया गया हम आपको इसी में साथ के साथ आप लोगों को वो भी दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं और अब कमाल की बात मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा कि सबसे बड़ी बात क्या है बड़ी बात ये है कि उम्र क्या है
अभी तक हमने उम्र का जिक्र ही नहीं किया। उम्र क्या है? उम्र आज के दिन ताऊ जी की 87 साल हो चुकी है, और 87 साल की उम्र में इस तरह का काम करना बहुत बड़ी बात है। 87 साल की उम्र में लोग अपने घरों में खाट पर रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना आराम छोड़ करके लोगों की भलाई के लिए, पशु पक्षियों की भलाई के लिए वहाँ पर पत्थर तोड़े हैं, पहाड़ को का सीना चीर करके वहाँ पर जो दो वहाँ अलग अलग पौंड बना दिए हैं जिसमें पानी की व्यवस्था की है, तो कमाल की बात नहीं है क्या? ताऊ जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, लोग वहाँ पर तो ढूंढने पे बहुत सारे आते होंगे, तो उनने कभी आपको कुछ पैसे देने की या कुछ और सहायता करने की कभी कोशिश की? सहायता की कोशिश करने के लिए जी करके जाके ना दोनों चेतन करके ना जी, और दोस्त खातर आज भोजन जी जी दिए दियो ताज की दोस्त करके तब काम करने लगते थे। हाँ दोस्त करके। तो कितने टाइम आपने ये जो काम है हर रोज करते थे? ये जो रोज जिद पथ खुदाई काम कर लग जाता, कितना टाइम लग जाता था क्या? मैं जो खुदाई करते थे आप उसमें खुदाई सारे दिन कर जी। ताई जी से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी आप इनको रखो तब तक जी। ताई जी लगभग कितने बजे जाते थे घर से? 7-8 बजे जी। 7-8 बजे जाते थे, वापस कितने बजे आते? 4:30 बजे 4:30 बजे तब तक वहीं रहते? अच्छा, तो ताई जी अकेले ताऊ जी ने ही वहाँ पे ये जो पहाड़ को खोदने का जो काम है वो किया है, या आप भी उसमें साथ में आते हैं? ये खोदा वहाँ बाल्टी भर दिन था, वो भूनी लगा रखी थी एक नहीं, वो भूनी तो ऊपर खींच के मैं इतना पहाड़ मार दी जी, माटी गिर दी देखना जी, और ये भीतर खोद के। आपने कभी मना नहीं किया इनको? क्या फिर मना नहीं किया कभी कि भाई हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? ना कोई किया, हमने मन में जमाए। अच्छा, लग गया रंदा। बस लगे ही रहे। चलिए देखिए लगे रहे हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी मिलवाऊं जरा थोड़ा सा। हम इधर इनके बेटे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जी ताऊ ताई जाते थे वहाँ पर, तो आप लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं कि इस उम्र में इस तरह का काम जो है क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो हमें तो इनको ऐसे नहीं रोका कि हमें तो इसी आवश्यकता थी नहीं, अभी हम घर का काम अपने आप करेंगे जी, और तुम्हारी इच्छा मन धर्म में है तो तुम अपने लगे रहो। ठीक है, तो मना हमने इसलिए नहीं गिरा, वैसे ठाली बैठा नहीं ना जकुन पड़ा, तो भाई अपने सार्वजनिक काम का लाए लग गया रहे जी। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि सार्वजनिक काम के लिए कभी परिवार ने भी मना नहीं किया है, और ताऊ जी ने जो ज़बरदस्त काम किया है, एक बार आप मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार ताऊ जी को वहाँ पे दिखाएं कि इस उम्र में लगभग 87 साल की इनकी उम्र हो चुकी है, और अगर इधर ताई जी को दिखाएं तो ताई जी की भी उम्र जो है लगभग 85 साल की इनकी हो चुकी है, और ऐसी उम्र में जहाँ लोग अपने घरों में आराम करते हैं, तो ऐसी उम्र में इनके द्वारा पहाड़ को तोड़ा गया है, पहाड़ तोड़ करके बड़ा ही शानदार काम किया गया है, और वहाँ पर जो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और आम जन के लिए पानी की व्यवस्था की है। तो बड़ी बात यही है कि बड़े ही शानदार काम किया है, और ऐसा ही शानदार काम हम आपको लगातार पहले भी दिखाया है हमने, आगे भी दिखाते रहेंगे, जो इस तरह की जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, लगातार हम भी आप तक जो चीज़ें हैं वो पहुँचाएँगे। हालाँकि इस दौरान मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि आने जाने के लिए रास्ता प्रॉपर नहीं है, तो हम ये भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो रास्ता है उस जगह तक पहुंचने के लिए, कहीं ना कहीं उसके लिए चाहे ग्राम पंचायत कुछ सहयोग करे, जिला प्रशासन कुछ सहयोग करे, ताकि वो काम भी वहां पर हो सके, आना जाना भी आसान हो सके, क्योंकि इतनी मुश्किल से जब इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है तो आगे का काम कहीं ना कहीं प्रशासन भी थोड़ा सा उसमें अपना जो सहयोग है वो दे सकता है, और जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें आगे आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।